वैज्ञानिक तथा आर्कियोलॉजिस्ट इस दुनिया को और बेहतर ढंग से समझने के लिए लगातार नई नई चीजों की खोज में लगे रहते हैं। ऐसी ही खोजों के दौरान कभी कभी ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं जो हर किसी को हैरान कर जाती हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में ऐसी ही 10 हैरान करने वाली चीजों के बारे में बताते हैं जिनका हाल ही में पता चला है। नंबर 10, पार्थियन टूम्ब। अक्टूबर 2020 में ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में खुदाई का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान एक बेहद पुरानी कब्र मिली जिसमें इंसान का कंकाल था। ये कब्र लगभग 1000 साल पुरानी थी। पुरानी कब्र और उसमें इंसानी कंकाल का होना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इसमें जो नई बात थी वो ये थी कि कंकाल एक मिट्टी के बने विशाल जार में था। ऐसा पहली बार देखने को मिला था जब किसी को मिट्टी के बने जार में रखकर दफन किया गया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसी का जवाब ढूंढने में वैज्ञानिक लग गए। उस जार में कंकाल के साथ तलवार, छुरे समेत कई ऐसी चीजें भी थीं जिससे ये पता चला कि संभवतः ये जिसका कंकाल है वो अपने समय में सैनिक था जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हो गई होगी। इसे सम्मान से अंतिम विदाई देने के लिए ही इस मिट्टी के जार का उपयोग किया गया होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 9, एंशिएंट काउंटरफिट करेंसी। आज के समय में जाली या नकली नोटों का कारोबार काफी बड़े स्तर पर फैला हुआ है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जाली पैसों का खेल आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से खेला जा रहा है। चांदी के सिक्कों की खोज 1200 BC से पहले की गई थी। इसराइल के आसपास वाले क्षेत्रों में उस समय चांदी बेहद कम मात्रा में मिलता था। उस समय चांदी के सिक्कों का चलन था और चांदी बहुत कीमती माना जाता था। ऐसे में वहाँ लोगों ने चांदी के नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। इस बात का खुलासा हाल ही में हुआ है। दरअसल इसराइल के अलग अलग शहरों में खुदाई के दौरान 1200 BC के आसपास के 35 चांदी के सिक्के मिले थे। जब इन सिक्कों की गहराई से लैब में जांच की गई तो पाया गया कि इनमें से 8 सिक्के ऐसे हैं जो नकली थे। इन सिक्कों का बाहरी परत चांदी का था, लेकिन अंदर घटिया क्वालिटी के तांबे का प्रयोग किया गया था। नंबर 8, अ कॉन्स्टिपेटेड डिमाइज। टेक्सास शहर में खुदाई के दौरान 1000 से 1400 साल पुराना एक कंकाल मिला। इस कंकाल की जब जांच की गई तो पता चला कि इस कंकाल के शरीर में अभी भी भोजन का कुछ हिस्सा बचा हुआ था जो उसने अपनी जिंदगी में खाया था। जांच में पता चला कि जिसका ये कंकाल था वो आंतों से जुड़ी एक बीमारी मेगाकोलोन से ग्रसित था। इस बीमारी में आंतों में सूजन हो जाता है। ये सूजन कब्ज की वजह से होता है। उस व्यक्ति के पेट से जो अवशेष प्राप्त हुआ उससे पता चला कि इसने बहुत ज्यादा मात्रा में टिड्डों को खा लिया था। इसे उसका शरीर पचा नहीं पाया, यही उसके पेट में जमे रह गए और यही उसकी दर्दनाक मौत का कारण बना। कंकाल के अवशेष से लगभग 1 किलो के आसपास टिड्डों के अवशेष प्राप्त हुए थे। नंबर 7, नाजी एनिग्मा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ नाम की संस्था जर्मनी में मौजूद बे ऑफ गेल्टिंग में मछली पकड़ रही थी। जब मछली पकड़ने के लिए उसने एक बार समुद्र में जाल फेंका और बाहर खींचा तो जाल में उसे कुछ अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। जब जाल से उसे निकाला गया तो पता चला कि ये एक मशीन है। इस मशीन को आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। वहाँ जांच पड़ताल से पता चला कि ये नाजी सेनाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मशीन था। इस मशीन को एनिग्मा कहते हैं। इस मशीन का उपयोग आमतौर पर नाजी सेना समुद्री जहाजों से सीक्रेट मैसेज भेजने के लिए किया करते थे। माना जाता है कि ये मशीन संभवतः दूसरे विश्व युद्ध के दौरान समुद्र में समा गई थी। नंबर 6, ह्यूमन बोन वेपन्स। इतिहास से पता चलता है कि प्राचीन लोग हथियार बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों या पत्थरों का उपयोग किया करते थे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इंसानों की हड्डियों से भी हथियार बनाए जाते थे? हाल ही के खोज से पता चलता है कि डॉगरलैंड द्वीप पे रहने वाले लोग इंसानों की हड्डियों से अलग अलग तरह के हथियार बनाया करते थे। इन हथियारों का उपयोग शिकार से लेकर अन्य काम करने में किया जाता था। बता दें कि डॉगरलैंड एक आइलैंड था जिसकी सीमाएं ब्रिटेन से लेकर यूरोप तक फैली हुई थी। हालांकि सुनामी की वजह से यह पूरा का पूरा आइलैंड ही नॉर्थ सी के नीचे समा गया था। नंबर 5, बेबी इन अ जार। इसराइल का जाफा यहाँ के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसी शहर में खुदाई के दौरान एक छोटा सा जार मिला। आम भाषा में कहें तो ये जार एक घड़े जैसा था। जब उस जार के भीतर देखा गया तो उसमें एक छोटे से बच्चे का अवशेष था। जांच से पता चला कि ये अवशेष 3800 साल पुराने हो सकते हैं। इस जार के मिलने के बाद कई तरह के सवाल उठे, क्योंकि इसराइल में किसी का भी अंतिम संस्कार इस तरह से नहीं किया जाता है। लोगों के जहन में ये सवाल आने लगा कि आखिर क्यों इस बच्चे को इस तरह जार में रखा गया होगा। इसराइल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सदस्य भी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि आखिर किसी ने इस बच्चे को ऐसा क्यों रखा होगा। अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढा ही जा रहा है। नंबर 4, पेड टू गो अवे। बुल्गारिया के एक शहर से 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बेहद पुराना भारी भरकम शिलापट मिला था। उस पर कई सारी बातें लिखी हुई थी। जब उन बातों को विशेषज्ञों की टीम ने समझना शुरू किया तो उन्हें एक हैरान करने वाली जानकारी प्राप्त हुई। ये शिलापट लगभग 2री शताब्दी के आसपास की थी। उस पर जो जानकारी लिखी हुई थी उससे पता चला कि उस समय इस क्षेत्र में राजगद्दी को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में शहर के लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया था जो कि राजगद्दी पर बैठने के लायक नहीं था। इसी खुशी में इस शहर के लोगों ने जीतने वाले को एक भारी भरकम दान दिया था। शिलापट पर लिखी गई बातों से पता चलता है
कि उस समय के शासक सेप्टिमस सर्वस को 7 लाख सोने के सिक्के दान में मिले थे। नंबर 3, गार्डनिंग ट्रेजर। हम खेतों में या कहीं खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिलने की बातें किस्से कहानियों में ही सुनते आए हैं, लेकिन ऐसा 2020 में इंग्लैंड में एक परिवार के साथ सच में हुआ। इंग्लैंड के साउथ ईस्टर्न शहर में एक परिवार अपने घर पे ही खुदाई का काम कर रहा था। इसी दौरान उन्हें मिट्टी के नीचे कुछ अजीब सा दबा हुआ दिखाई दिया। जब खोद कर उसे बाहर निकाला गया तो सभी के होश उड़ गए। एक साथ मिट्टी के नीचे 63 सोने के तथा 1 चांदी के सिक्कों को रखा गया था। ये सोने के सिक्के 15वीं सेंचुरी के थे। इन सभी सिक्कों पर उस समय के तत्कालीन सम्राटों की तस्वीरें थीं। लोगों के जहन में यह सवाल आने लगा कि आखिर क्यों किसी ने इतने सोने के सिक्कों को मिट्टी के नीचे दबा कर रख दिया था। खैर, इसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन उस परिवार को खजाना जरूर मिल गया। नंबर 2, जर्म कवर्ड आर्ट। लियोनार्डो द विंची को दुनिया का सबसे महान कलाकार माना जाता है। इनके बनाए पेंटिंग्स को सैकड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन उन पेंटिंग्स के रहस्य को आज तक दुनिया सुलझाने में लगी हुई है। इसी क्रम में लियोनार्डो की बनाई 7 पेंटिंग्स पे गहरे अध्ययन के दौरान पाया गया है कि उन पेंटिंग्स पे काफी अधिक संख्या में सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स मौजूद हैं। इसके अलावा उन पेंटिंग्स पे मनुष्यों के डीएनए भी हैं। अब ये कहां से आए हैं या लियोनार्डो ने इसे अपनी पेंटिंग्स में उपयोग क्यों किया, ये थोड़ा रहस्यमयी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्योंकि ये पेंटिंग्स पुराने हो चुके हैं और इस दौरान ये कई लोगों के हाथों से गुजरे हैं, साथ ही लगातार वायुमंडल के सीधे संपर्क में भी रह रहे हैं, ऐसे में संभव है कि ये डीएनए और माइक्रोब्स इन्हीं स्रोत से पेंटिंग पे आए होंगे। नंबर 1, एंशिएंट इजिप्शियन स्टार कॉन्स्टेलेशंस। हाल ही में इजिप्ट में इजिप्ट तथा जर्मनी के विशेषज्ञों ने मिलकर एक प्राचीन स्थल को फिर से रिस्टोर किया है। यह स्थल लगभग 2000 साल पुराना है। इजिप्ट में इसे टेंपल ऑफ एस्ना के नाम से जाना जाता है। जब एक्सपर्ट्स ने स्थल पे काम करना शुरू किया और जब इसकी गहराई से साफ सफाई शुरू की तो इसमें जो कुछ देखने को मिला वो बेहद हैरान करने वाला था। यहाँ जो पेंटिंग्स की गई हैं वो हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन देखने से लगता है इसे कल ही पेंट किया गया है। इसके अलावा इसमें कई ऐसी रहस्यमयी चीजें बनी हुई हैं जिसका जिक्र प्राचीन इजिप्शियन ग्रंथों में देखने को मिलता है। ऐसे ही एक तारामंडल का वर्णन यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन वास्तव में ये तारामंडल हमारे आकाशगंगा में कहाँ है ये किसी को नहीं पता। यही बात सभी को हैरान करती है कि इस टेंपल में फिर किस तारामंडल का जिक्र है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इन खोजों में से आपको सबसे अच्छा या रहस्यमयी खोज क्या लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक ऐसी ही रोचक वीडियोस आती रहें। धन्यवाद।